So, good morning all of you. So, this is our fifth lecture of Unit 4 of subject Fluid Mechanics having code ME404. The name of the unit is Flow Through Pipes. Okay. So, in last class, what we have studied the behavior of fluid when it is flowing through a pipe. जब एक पाइप में, एक सर्कुलर पाइप में जब फ्लूड फ्लो हो रहा था, तो उसका क्या बिहेवियर था वो पढ़ा हमने. उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, उसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी क्या थी और प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा था. ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हमने डेरिवेशन में देखा था, चारों को डिराइव किया था. उसके बाद इससे रिलेटेड तीन प्रॉब्लम देखी थी. तीनों प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है अगर हमको डेरिवेशन पता है. ठीक है, अब हम सेम इसी में आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हुए आज की टॉपिक में क्या देखेंगे, सेम चीज है, बस जो जिस चीज में हमारा फ्लूड फ्लो हो रहा था वो लास्ट केस में किया थी, सर्कुलर पाइप थी. अभी क्या हो जा रही है, वो दो प्लेट हो जा रही है. दो प्लेट मतलब दो प्लेट है, दो एकदम इनफिनाइट डायमेंशन की प्लेट है. ठीक, उसमें फ्लूड फ्लो हो रहा है. दो प्लेट के बीच में फ्लूड फ्लो हो रहा है. अब सर्कुलर पाइप नहीं है, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है वो प्लेट के बीच में हो रहा है. तो हम उसको अभी स्टडी करेंगे. सेम वही चार चीजें स्टडी करेंगे. कौन कौन सी, हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, हम रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और हम प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे. यही चार चीजें निकालना है. पूरा मेथड वही रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बस डिफरेंट होंगी. इसीलिए मैं बोल रहा था वो अगर डेरिवेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. देखिए, फॉर अ फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, हम यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे वो बता रहा है कि अगर विस्कस फ्लूड है मतलब रियल फ्लूड, अगर दो प्लेट पैरेलल प्लेट है उसके बीच में अगर फ्लो हो रहा है तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ सेक्शन, जो हमने लास्ट डेरिवेशन में भी निकाला था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, शियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन लेंथ आर टू बी कैलकुलेटेड. ये सब चीजें हम लोगों को निकालना है. ठीक, तो डेरिवेशन है अगेन जैसा वो लास्ट डेरिवेशन था, सेम वैसे ही डेरिवेशन है, बस यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी और फ्लूड एलिमेंट का डायमेंशन चेंज होगा. तो देखिए, वहां पे एक सर्कुलर पाइप था, यहाँ पे दो प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट है और हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो जीरो है. दोनों प्लेट क्या है, फिक्स्ड प्लेट है, दोनों फिक्स्ड प्लेट है और उसके बीच में जो है फ्लूड फ्लो कर रहा है. फ्लूड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट. दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है t, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्मॉल t, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल t. अब जैसा कि हम वहां पे करते थे वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे. वहां पे भी हम एक एलिमेंट लेते थे और उसके ऊपर स्टडी करते थे, यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट लेंगे और उसी के ऊपर स्टडी करेंगे. अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, पहले वाले में और अभी में डिफरेंस क्या है. पहले वाले में हम जो एलिमेंट लेते थे वो सर्कुलर एलिमेंट होता था. कैसा एलिमेंट होता था, सर्कुलर एलिमेंट होता था. ठीक, क्यों, क्योंकि हमारी पाइप सर्कुलर थी. अब यहाँ पे हमारी पाइप नहीं है हमारे पास दो प्लेट है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे वो रेक्टेंगुलर रहेगा, वो सर्कुलर नहीं रहेगा. अब हमने एक एलिमेंट लिया ए बी सी डी जो कि एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है. अब उसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, उसकी लेंथ जो है मतलब बी सी की वैल्यू डेल्टा एक्स है, ए बी की वैल्यू ए बी उसकी हाइट डेल्टा वाई है. अब इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्यों लिया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसलिए हमने इसको एक्स टर्म लिखा है. ये वाला डायमेंशन जो है ए बी वाला डायमेंशन है वाई डायरेक्शन में, इसलिए हमको उसको डेल्टा वाई लिखा है. ठीक, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो एलिमेंट है रेक्टेंगुलर एलिमेंट, मतलब रेक्टेंगुलर एलिमेंट नहीं है एक्चुअली, वो क्यूबॉइड शेप है. क्यूबॉइड शेप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसकी लेंथ है डेल्टा एक्स, जिसकी हाइट है डेल्टा वाई और जिसकी डेप्थ है जो आप लोगों को स्क्रीन में नहीं दिख रही है वो डेप्थ है वन, यूनिटी वन है. ठीक है, उसकी जो डेप्थ है वो यूनिटी है. तो हमारे पास उसका पूरा का पूरा डायमेंशन आ गया. क्या क्या डायमेंशन आ गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हाइट डेल्टा एक्स लेंथ और जो डेप्थ अलोंग द स्क्रीन है जो हम लोग को नहीं दिख रही है वो है वन, हमने उसको वन ले लिया. ठीक, अब ये जो एलिमेंट है ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कितने डिस्टेंस में सिचुएटेड है लोअर प्लेट से. देखिए इसको हम अपर प्लेट बोलेंगे, इसको लोअर प्लेट बोलेंगे, तो वो लोअर प्लेट से इसकी डिस्टेंस है वाई. तो हमने एक एलिमेंट लिया जिसका डायमेंशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू वन, क्यूबॉइड शेप का. ठीक, वो लोअर प्लेट से उसका जो लोअर एंड है वो वाई डिस्टेंस में है. ठीक, इतना क्लियर है सभी को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. एलिमेंट इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा एलिमेंट है. यस सर. ठीक है ना, एलिमेंट है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और वन.
ठीक। अब इस एलिमेंट की हमको स्टडी करना है, इस एलिमेंट में एक छोटा सा एलिमेंट में कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, और जो वो फोर्सेस आ रहे हैं वो उसकी स्टडी करना है, उसको बैलेंस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, ठीक, इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। सबसे पहले तो प्रेशर फोर्स आएगा, एक लेफ्ट टू राइट रहेगा जो ए बी वाले फेज में रहेगा, एक राइट टू लेफ्ट रहेगा जो सी डी वाले फेज में रहेगा, ठीक। अब प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे हमने प्रेशर पी माना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे लास्ट डेरिवेशन में, तो यहाँ पे इस साइड में सीडी फेज में प्रेशर कितना हो जाएगा, पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इनटू डेल्टा एक्स, ठीक। एबी में प्रेशर पी है तो प्रेशर वेरी कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो वेरिएशन को भी हम कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इनटू डेल्टा एक्स, दो प्रेशर हो गया। अब जो एबी वाला, जो अपने को नहीं दिख रहा है, एबी वाला फेस का एरिया कितना होगा, वो एक रेक्टेंगल दिखेगा। देखिए आप इमेजिन करिए, ये कंपास से मैं आपको उनको समझाता हूँ, ये हमारा एलिमेंट ऐसा है। मैं इसको थोड़ा एक बैकग्राउंड को बंद करता हूँ अपना, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हाँ ना, ओके। तो ये जो हमारा है ये एलिमेंट है, ठीक, ये शेप का एलिमेंट है। ये अभी जो हमको सामने से फ्रंट व्यू से दिख रहा है ये डेल्टा एक्स है, इसकी हाइट डेल्टा वाई है, और ये जो डेप्थ है, जो डेप्थ अपने को नहीं दिख रही है, ये वन है। अब फ्लूड क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन से आ रहा है दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर फोर्स पी इंटू एरिया। तो एरिया कौन सा लेंगे, ये वाले फेस का एरिया लेंगे, तो ये वाले फेस का एरिया क्या होगा, जितना इसकी हाइट है मल्टीप्लाई बाय जितना इसका डेप्थ है, दैट इज डेल्टा वाई इंटू वन। तो ये एरिया कितना हो गया, डेल्टा वाई इसकी हाइट और डेप्थ इसका वन, डेल्टा वाई इंटू वन। और प्रेशर कितना था, पी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वाई इंटू वन। सिमिलरली सीडी में प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टी बाय डेल एक्स, प्रेशर इनटू एरिया, अगेन एरिया तो सेम रहेगा, एबी वाले फेस का भी एरिया सेम रहेगा, सीडी वाले फेस का भी एरिया सेम रहेगा, तो पी प्लस डेल्टी बाय डेल एक्स इनटू डेल्टा वाई इनटू वन। तो हमारे पास ये दो फोर्स आ जाए, एक फोर्स एबी में प्रेशर फोर्स और एक फोर्स सीडी में प्रेशर फोर्स, ये दो फोर्स हमको मिल गए, ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया प्रेशर फोर्स कैसा हुआ। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रेशर फोर्स है, इट इज ऑलवेज, प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। तो क्या करेगा, ये जो लेफ्ट साइड में प्रेशर का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा, जो राइट साइड से लग रहा है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, जो हमने एलिमेंट लिया है, ये जो हमने एलिमेंट लिया है, जो आप लोगों को एलिमेंट दिख रहा है, उसके अपर और लोअर सरफेस में शियर स्ट्रेस आएगा, वहां पे भी आता था शियर स्ट्रेस डेवलप, लेकिन वहां पे सर्कुलर एलिमेंट था तो हर जगह शियर स्ट्रेस सेम होता था, क्योंकि वॉल से उसकी डिस्टेंस सेम है। वहां पे क्या था, हमने सर्कुलर एलिमेंट लिया था, तो जो सर्कुलर एलिमेंट लिया था वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग टाइप का था, और वो पूरा का पूरा बीच में था या कहीं पे भी था, तो उसकी वॉल से डिस्टेंस क्या थी, सेम थी। लेकिन यहाँ पे हम लोअर प्लेट से डिस्टेंस वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों, जो ऊपर और नीचे में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, वो दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो नीचे वाले की जो वैल्यू रहेगी उसमें क्या रहेगा, टाउ इंटू, अब इसका एरिया, ये वाले फेस का एरिया आएगा, नीचे वाले फेस का एरिया, तो नीचे वाले फेस का एरिया क्या आएगा, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, जो डेप्थ अंदर की तरफ है, तो ये लेंथ कितनी हमारी, डेल्टा एक्स इंटू वन। तो ये वाले और ये वाले फेस का एरिया कितना हो गया, डेल्टा एक्स इंटू वन। इधर वाले फेस का एरिया क्या था, डेल्टा वाई इंटू वन। नीचे और ऊपर वाले फेस का एरिया क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू वन। तो अब जो तीसरा फोर्स आएगा, जो कि नीचे वाले फेस में लगेगा, बीसी फेस में, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक। तो फ्लूइड इधर मूव कर रहा है, शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा, शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो टाउ हमने लिया नीचे वाले फेस का शियर स्ट्रेस, तो ऊपर वाले फेस का अगेन वेरी करेगा, वो बाय डायरेक्शन में वेरी करेगा। तो जैसा कि प्रेशर को हमने वेरी किया था, तो डेल पी बाय डेल एक्स इनटू डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किए, एडिशन किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो हो जाएगा टाउ प्लस डेल्टा टाउ बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई। तो हमारा टाउ भी चेंज हो गया वाई डायरेक्शन में, पहले यहाँ पे टाउ था, तो टाउ शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया हमारा क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू वन, यहाँ पे भी एरिया वही रहेगा डेल्टा एक्स इंटू वन। तो हमको दो फोर्स और मिल गए, एक तो शियर फोर्स बीसी में जो कि टाउ इंटू डेल्टा एक्स इंटू वन है, और शियर फोर्स ए डी में जो है टाउ प्लस डेल्टा टाउ बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इंटू वन, ठीक।
ये चारों फोर्स क्लियर है तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। बड़े आगे बढ़े फिर। यस सर। चलिए, तो हमारे पास हमने देख लिया कि एक फ्लूड के एलिमेंट में ये चार टाइप के फोर्स आ रहे हैं, एक प्रेशर फोर्स जो इसको इधर ढकेल रहा है, दूसरा प्रेशर फोर्स जो इसको कंप्रेसिव है, तो दोनों साइड से प्रेशर फोर्स आ गए, दूसरा शियर स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि ऊपर वाली लेयर भी शियर स्ट्रेस लगाएगी इस एलिमेंट में, नीचे वाली लेयर भी शियर स्ट्रेस लगाएगी इस एलिमेंट में, ठीक। तो वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाली, तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो फ्लूड है या जो एलिमेंट है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी ना वेलोसिटी कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब जो नेट फोर्स उस फ्लूड में लग रहा है वो जीरो है, क्योंकि अगर फोर्स कम होता, कम लगता तो इसकी फ्लूड की वेलोसिटी कम होती, और अगर फोर्स एक्सिस में लगता तो इसकी फ्लूड की वेलोसिटी ज्यादा होती। लेकिन क्या हो रहा है, ये फ्लूड एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो नेट फोर्स है वो जीरो रहेगा। फॉर स्टेडी फ्लो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट शुड बी जीरो, ठीक। तो अब इसको हमने सब फोर्स को ऐड किया विद साइन, तो P इनटू डेल्टा इनटू 1 जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, P प्लस डेल्टा बाय डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा एक्स ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा था, एक शियर स्ट्रेस जो नीचे वाला फ्लूड है वो उसको रोक रहा था तो ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में, और ये वाला जो शियर स्ट्रेस है वो आगे की तरफ लगेगा क्योंकि फ्लूड में शियर स्ट्रेस हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। अगर हम एक फ्लूड के एलिमेंट लेंगे तो शियर स्ट्रेस कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमने इसको सबको विद साइन सभी फोर्सेस को ऐड किया, वेक्टर सम किया इसका और इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए जो P इंटू डेल्टा वाई वन और P इंटू डेल्टा वाई वन अपोजिट साइन है, इसके साथ माइनस साइन रहेगा, इसके साथ प्लस साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली टाउ इंटू डेल्टा एक्स इंटू वन यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे टाउ इंटू डेल्टा एक्स इंटू वन पॉजिटिव साइन है तो ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू वन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू वन ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टाउ बाई डेल्टा वाई, ये हमको मिलेगा। आप लोग करके देख सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं इसको ब्रैकेट ओपन करके इस इक्वेशन को, तो हमको फाइनली ये मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा दैट प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट अलोंग वाई डायरेक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, बहुत आसान है ये। जब फोर्स को हमने विद साइन ऐड कर दिया और इक्वेट टू जीरो कर दिया क्योंकि उस एलिमेंट में नेट फोर्स जीरो आ रहा है। अब जैसे ही हमारा ये आया हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हम अपना मेन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, अब हमको एक एक करके सब चीजें निकालना है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा ये दोनों प्लेट के बीच में, तो हमको ये रिलेशन मिला है डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टाउ बाय डेल वाई, तो यहाँ पे टाउ क्या होता है, टाउ शियर स्ट्रेस है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, तो इस टाउ की जगह में हमने रख दिया म्यू डी यू बाय डी वाई, और इसको जब ब्रैकेट को ओपन किया तो हमको मिल गया डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई, ठीक है। तो हमको डेल पी बाय डेल एक्स मिल गया म्यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो हमको u निकालना है, वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब u हमको निकालना है, तो u निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा भाई, u कहाँ पे, इसी इक्वेशन में, ये वाले पोर्शन में, तो इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी हमको u आएगा क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक। जब हम इसको दो बार इक्वेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन कम होगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा भी डिफरेंशिएशन हट जाएगा और हमको यू का सम फंक्शन मिलेगा। तो हमने क्या किया, जो u वाला टर्म है उसको एक तरफ ले गया, बाकी सम को दूसरी तरफ ले गया, तो म्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमको क्या मिल गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ क्या हुआ, अब हमको इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, तो हमने पहली बार इंटीग्रेट किया इसको तो हमको क्या मिला दो सॉरी यहाँ पे डेल ये डेल यू बाय डेल वाई आएगा, यहाँ पे रॉन्गली रिटर्न, इसको अपन ठीक करेंगे, तो ये आ गया हमारा
डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स वाई प्लस सी वन. तो फाइनली हमारा जो काम का है, दो बार जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो जो हमारे काम का इक्वेशन आया वो ये आया. ठीक, u इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ये सब चीजें कॉन्स्टेंट थी. ठीक, इंटू वाई प्लस सी वन वाई प्लस सी टू, दो बार इंटीग्रेट किया इसने, हमको दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला है. हमको कितना मिला, दो बार इंटीग्रेट किया इसने, दो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला. ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे. अब हमको क्या करना है कि इस सी वन और सी टू की वैल्यू निकालना है. ये सी वन और सी टू की क्या वैल्यू है वो निकालना है. तो हमेशा कॉन्स्टेंट ऑफ, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा है तो हमको ये वैल्यू कैसे मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी हमको बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद. तो हमको देखना है बाउंड्री कंडीशन क्या है. ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि बाउंड्री कंडीशन क्या है. उससे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया. ठीक, तो सी वन सी टू क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, तो ये हो गया हमारा, सॉरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी मेरी. तो सी वन और सी टू क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो हमको इसकी सी वन और सी टू की वैल्यू निकालना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है देखते हैं अपन. बाउंड्री कंडीशन क्या है, अब वो दो प्लेट वाले फिगर को आप ध्यान रखिए. सबसे पहले एट y इज इक्वल टू जीरो, अब y क्या डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे फिगर में, y क्या डिस्टेंस है, y है लोअर प्लेट से इसकी डिस्टेंस. ये नीचे वाला जो एलिमेंट का जो फेज है उसकी डिस्टेंस है लोअर प्लेट से. अब अगर ये y जीरो हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको y को जीरो करूंगा, मतलब क्या हो रहा है, ये जो फ्लूड एलिमेंट है वो कहां पे आ गया, इस प्लेट के जस्ट ऊपर आ गया. y जीरो मतलब ये जो फ्लूड का एलिमेंट है एबीसीडी वो कहां पे आ गया, प्लेट के जस्ट ऊपर. तो ये पहली बाउंड्री कंडीशन है कि जब हम y को जीरो रख देंगे, इस y को जैसे ही हमने जीरो रखा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्लेट में जो भी फ्लूड एलिमेंट है, प्लेट स्टेशनरी है तो इसके साथ जो चिपका हुआ फ्लूड एलिमेंट है उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो जैसे ही हमने y को जीरो रखा तो हमको u भी जीरो मिला, y को जीरो रखा तो u जीरो मिला. और दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमने y को t रखा, अब देखिए y को t रखा मतलब क्या हुआ है, y को हम t रख रहे हैं मतलब ये जो फ्लूड एलिमेंट था पहले एक बार नीचे आया जब हमने y को जीरो रखा, और जब हम एक बार y को t रख रहे हैं तो ये फ्लूड एलिमेंट कहां पहुंच गया, सबसे ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, ऊपर वाली प्लेट के पास. दोनों ही केस में जब ये फ्लूड एलिमेंट नीचे वाली प्लेट के पास है या ये फ्लूड एलिमेंट ऊपर वाली प्लेट के साथ है, दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, इस फ्लूड एलिमेंट की जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट भी स्टेशनरी कंडीशन में और नीचे वाली प्लेट भी स्टेशनरी कंडीशन में है. ठीक, तो दोनों ही केस में क्या होगा, तो प्लेट का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. जीरो क्यों हो जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही प्लेट स्टेशनरी है. हमने क्या माना है, दोनों प्लेट को स्टेशनरी माना है, रुकी हुई है. तो इसके साथ जो फ्लूड का एलिमेंट आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो इसके साथ चिपक के रहेगा. ठीक, यही हम कंसीडर करते हैं. तो जब हमने y को जीरो लिया तो ये फ्लूड एलिमेंट नीचे से चिपके, नीचे वाली प्लेट के साथ है. जैसे हमने y को t लिया तो ये ऊपर वाली प्लेट के साथ है. दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन में जब हम y को जीरो रखेंगे तो u जीरो हो जाएगा. हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन में हम y को t रखेंगे तब भी हमारा u जीरो हो जाएगा. तो ये दो बाउंड्री कंडीशन से अब हम सी वन और सी टू की वैल्यू निकालेंगे. तो जैसे ही हमने y को जीरो रखा तो u जीरो हुआ, तो हमको c2 मिल गया जीरो. देखिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन टू में जैसे ही हमने y को जीरो रखा तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया. तो y को जीरो रखने से u भी जीरो हो रहा है, तो हमको c2 कितना मिल गया, जीरो मिल गया. ठीक, तो हमको c2 की वैल्यू जीरो मिल गई. दूसरे में जब हमने y को t रखा, हमने y को t रखा, ये c1 t रखा, ये y को t रखा, तो भी u जीरो है. तो इस केस में हमको c1 की क्या वैल्यू मिली, C1 की वैल्यू मिली. देखो यहाँ पे हमने y को जीरो रखा तो u जीरो हो गया, तो u ये u जीरो और y जीरो, तो हमको क्या मिल गया वैल्यू, C1 is equal to 1 by 2 mu del p by del x into t. ये t और एक t कैंसिल हो जाएगा तो एक ही t बचा, तो हमको C1 की वैल्यू ये मिली यहाँ.
ठीक। अब ये C1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 2, तो C2 तो 0 है और C1 की वैल्यू हम रखेंगे तो हमको U क्या मिलेगा, 1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू C1 था, देखिए यहाँ पे y into c1 था, तो इस y की जगह में सॉरी c1 की जगह में हम c1 की वैल्यू रख देंगे और c2 तो 0 है, तो हमको जो u आएगा वो आएगा ये, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि 1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स यहाँ पे भी है, 1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इधर भी है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया, तो -1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा t into y, ये यहाँ पे y t से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ty - y² आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो हमको ये u मिल गया, दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल, ये क्या हो गई हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या वेलोसिटी प्रोफाइल। अब देखिए जब हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में क्या है, देखिए न्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक, डेल पी बाय डेल एक्स कॉन्स्टेंट है और दोनों प्लेट की डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट है, तो जो ये यू है वो किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर का, यू किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर का, वाई का भी फंक्शन है लेकिन मैक्सिमम फंक्शन किसका है, वाई स्क्वायर का, तो हमको कैसा कर्व मिलेगा, पैराबोलिक कर्व मिलेगा, तो यू वेरीज विद वाई स्क्वायर, तो वी विल गेट अ पैराबोलिक कर्व बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगी अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ पाइप के हिसाब से आएगी, पाइप जैसी आएगी, जिसमें क्या हो रहा है दोनों ही प्लेट के पास वेलोसिटी जीरो है, देखिए यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है, ऊपर वाली प्लेट के पास भी वेलोसिटी जीरो है, और जैसे जैसे प्लेट से दूर जाते जा रहे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, फिर सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और जैसे जैसे फिर से हम प्लेट के पास जाते जा रहे वेलोसिटी कम हुई। अब इसको अपन रख के भी देख सकते हैं, यहाँ पे वाई की वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू रखी है इस इक्वेशन में, जो ये वेलोसिटी प्रोफाइल आई है इस इक्वेशन में, वाई जीरो रखिए, तो y जीरो रखेंगे तो राइट हैंड साइड वाला काम पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी जीरो, y जीरो कहाँ पे, लोअर प्लेट, नीचे वाली प्लेट में y की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जैसे ही हमने y जीरो रखा u भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली ऊपर वाली प्लेट में हमने y की जगह में क्या रखा, t रखा, ऊपर वाली प्लेट में निकालने के लिए हमने y की जगह में t रखा, तो ये y स्क्वायर हो गया और ये भी t इंटू टी स्क्वायर हो गया, और ये भी यहाँ पे y की जगह में t रखा तो ये भी t स्क्वायर हो गया, तो t² - t² भी जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ऊपर भी प्लेट जो ऊपर वाली प्लेट के पास भी वेलोसिटी जीरो है, नीचे वाली प्लेट के पास भी वेलोसिटी जीरो है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे, दोनों प्लेट के मिड पॉइंट पे, जो बीच में जो लेयर चल रही है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, ठीक। तो सेम करना है हमको, अगर आप लोग को पहला डेरिवेशन याद होगा तो दूसरा याद होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यू मैक्स कैसे आएगा, इस इक्वेशन 3 में हम वाई की जगह में अगर टी बाई टू रखते हैं, क्योंकि हमको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, दोनों प्लेट के बीच में, तो हम वाई की जगह में अगर टी बाई टू रख देंगे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखिए इक्वेशन 3 में हमने वाई की जगह टी बाई टू रखा तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, वाई की जगह में टी बाई टू रख के सॉल्व किया तो कितनी मिल गई, u max हमको मिल गया -1/8 mu del p by del x into t square, ये हमको मिल गया u max maximum velocity। अब हमको निकालना है average velocity, तो हमको average velocity कैसे मिलेगी, हमने देखा था कि हमको पहले discharge निकालना पड़ेगा, discharge निकालने के बाद हम area से multiply divide करेंगे तो हमको average velocity मिलेगी, तो सबसे पहले हमको discharge निकालना, तो discharge में हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले उस element के लिए निकालेंगे discharge, और उस एलिमेंट के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरा डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो उस एलिमेंट के लिए डिस्चार्ज कितना होगा, वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस y, y डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी है और उसका एरिया कितना है, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया, तो हम उस एलिमेंट के लिए डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, एलिमेंट के लिए डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी एट y, वेलोसिटी प्रोफाइल हमको पता है, ठीक, तो वो वेलोसिटी प्रोफाइल रख देंगे -1/2 म्यू जो हमारा इक्वेशन 3 में आया था डेल पी बाय डेल एक्स ty - y² और उस एरिया का स्ट्रिप का एरिया क्या है, उस स्ट्रिप का एरिया है dy उसकी हाइट टू डेप्थ, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लूइड जाएगा dy into 1 ही एरिया रहेगा और उसको हम वेलोसिटी प्रोफाइल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको dq मिलता है, ठीक। अब हमको ये dq मिला, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल q मिल जाएगा कि उस दो प्लेट के बीच से कितना फ्लूइड जा रहा है, पहले हमने dq क्या निकाला, उस एलिमेंट से कितना फ्लूइड जा रहा है, उस एलिमेंट से फ्लूइड निकालने के लिए हमने वेलोसिटी प्रोफाइल u into एरिया किया। अब
पूरा डिस्चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी, पूरे के पूरे प्लेट के दोनों के बीच में इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे टी वाई डी वाई का टी वाई स्क्वायर बाय टू आया और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया, वाई क्यूब बाय थ्री। अब एक बार हमने टी की जगह में सॉरी वाई की जगह में टी रखा और एक बार जीरो रखा, तो जीरो रखा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, सब चीज जीरो हो जाएगी, तो हम सिर्फ टी वाला कंसिडर करेंगे। और जब हमने यहाँ पे वाई की जगह में टी रखा तो हमको टी क्यूब बाई टू माइनस टी क्यूब बाई थ्री मिला। ठीक, ये सब तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर ही रहा। अब इन दो इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला टी क्यूब बाई सिक्स, टी क्यूब बाई टू माइनस टी क्यूब बाई थ्री क्या होगा, टी क्यूब बाई सिक्स, तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो गया और यहाँ पे टी क्यूब बच गया, तो वन बाय ट्वेल्व म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी क्यूब, ये होगा हमारा टोटल फ्लो रेट। ये हमारा क्या आ गया, टोटल फ्लो रेट। अब इसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, जो पूरा का पूरा प्लेट के दो प्लेट के बीच का जो एरिया है वो कितना रहेगा, टी इंटू वन, टी टोटल हाइट हो गई और उसका डेप्थ हमने क्या कंसिडर किया है, वन, तो टी इंटू वन से जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, एरिया से डिवाइड किया टी इंटू वन से क्यू को, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गई, कितनी मिल गई, माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और ये टी क्यूब का क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको पता है, एवरेज वेलोसिटी अभी हमने निकाला, जब हमने दोनों को रखा यहाँ पे तो सभी चीजें कैंसिल हो जाएगी, बस क्या बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12, तो 12 न्यूमरेटर में चले जाएगा, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा और हमको वैल्यू मिल जाएगी 3/2। हमको क्या वैल्यू मिल गई, 3/2। तो यहाँ से समझ में आया कि जो पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता था तो हमको टू वैल्यू मिलती थी मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की, यहाँ पे हमको क्या मिल रही है वैल्यू, 3/2। हमेशा कोई भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर फ्लूइड फ्लो होगा तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 3/2। ये हमको याद रखना है। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले यू मैक्स निकाला, फिर यू एवरेज निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है, इतना आगे बढ़े। यस सर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमको दो चीज निकालनी है, अब हमको तीसरा क्या निकालना है, ड्रॉप इन प्रेशर। तो ड्रॉप इन प्रेशर के लिए अपन क्या करेंगे, दो सेक्शन लेंगे, सेक्शन वन और सेक्शन टू, दोनों के बीच में लेंथ एल है, जैसा सेम हमने हैगर पॉइज़न के लिए किया था। जो सेक्शन वन है उसकी पाइप की एक एंड से डिस्टेंस एक्स वन है, जो सेक्शन टू है उसकी दूसरे एंड से पाइप की डिस्टेंस एक्स टू है। ठीक, तो हमने हमको निकालना है प्रेशर ड्रॉप। हमने अभी एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। ठीक, यहाँ पे हम अगेन सेम चीज कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं, वहां पे भी ऐसे ही कर रहे थे। अब हम डेल पी बाय डेल एक्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 12 म्यू यू बार बाय टी स्क्वायर हो गया। इसको अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है डेल पी बाय डेल एक्स को सेक्शन वन से और सेक्शन टू के बीच में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू है। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमको मिला पी वन माइनस पी टू अपॉन 12 म्यू यू एल बाय टी स्क्वायर। एक्स टू बाई माइनस एक्स वन मिला, तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, एल है, तो ये हमको मिल गया प्रेशर ड्रॉप। अगेन हमको प्रेशर ड्रॉप हेड के टर्म में चाहिए तो हम इसको रो और जी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको प्रेशर ड्रॉप एच एफ हेड के टर्म में मिल जाएगा, पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी इज इक्वल टू 12 म्यू यू एल बाई यू बार एल बाई रो जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर ड्रॉप कितना होता है जब प्लेट में फ्लूइड फ्लो होता है। तो क्या किया हमने, दो सेक्शन लिया जिसके बीच की डिस्टेंस एल थी और एवरेज वेलोसिटी जो हमारी आई थी उसमें डेल पी बाय डेल एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरे तरफ ले गया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल बस हो गया, और रो जी से डिवाइड कर दिया प्रेशर ड्रॉप हेड के टर्म में निकालने। ठीक, ये तो ये हो गया हमारा ड्रॉप इन प्रेशर। लास्ट अब हमको निकालना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि शियर स्ट्रेस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, यू की जगह में हम जो वेलोसिटी प्रोफाइल आया हमारा उसको रख देंगे, यू कितना आया था, माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी वाई वाई स्क्वायर यू की जगह में। ठीक, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू, इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट है, 1 माइनस 1 बाय 2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, और टी वाई माइनस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी वाई का टी हो जाएगा, वाई स्क्वायर का माइनस 2y हो जाएगा, तो टी वाई का टी रह गया, वाई स्क्वायर का माइनस 2y आ गया, तो हमारा टाउ इतना आ गया। ठीक, ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया तो टाउ की वैल्यू हमारी ये आ गई।
अब देखिए यही हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करके, तो ये म्यू और ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ आ गया हमारा माइनस वन बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स टी माइनस टू वाई। दिस इज अवर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये टाउ किसका फंक्शन है, वन बाय टू डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये टी भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो जो टाउ है वो वाई का फंक्शन हो गया, मतलब अगेन लीनियर फंक्शन हो गया। तो हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर कहाँ पे होगा बताइए, मैक्सिमम शियर होगा दोनों ही प्लेट के पास में, या तो लोअर प्लेट के पास में होगा या अपर प्लेट के पास में होगा। तो जैसे ही हमने y को जीरो रखा, y को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, हमको शियर स्ट्रेस मिलेगा माइनस वन बाय टू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी। जैसे ही हमने y को t रखा, मतलब ऊपर वाली प्लेट के पास की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसको t रखा तो ये टू टी हो गया, तो t माइनस टू टी माइनस टी, तो अगेन हमको शियर स्ट्रेस मिला वन बाय टू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी। लेकिन जैसे ही हमने y की जगह में t बाय टू रखा, y की जगह में इस इक्वेशन में t बाई टू रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, t बाई टू 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 कैंसिल हो जाएगा और t माइनस टी जीरो, तो शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। और t बाई टू रखने मतलब क्या बात कर रहे हैं, प्लेट के सेंटर की बात कर रहे हैं, बीचों बीच में, तो शियर स्ट्रेस बीचों बीच में जीरो रहेगा। और जैसे जैसे हम सेंटर से दोनों प्लेट के पास जाते जाएंगे शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, तो हमारा जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो इस तरह से आएगा, सेंटर में जीरो और जैसे जैसे हम प्लेट के पास जाते जा रहे हैं शियर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। क्लियर है ये डेरिवेशन? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ना सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखा, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो पूरा का पूरा चीजें समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके,